उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम केजरीवाल देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार का ऐलान किया। तो ये निर्णय आम आदमी पार्टी ने नहीं लिया, ये निर्णय उत्तराखंड के लोगों ने लिया है कि अजय कोटियाल साहब को आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट बनाया जाए। अजय कोटियाल साहब वो शख्स हैं जिन्होंने फौज में रहके देश की सेवा की, अपनी जान की बाजी लगा के आतंकवादियों का सामना किया, अपनी जान की बाजी लगा के इन्होंने पाकिस्तान का सामना किया, इन्होंने देश के दुश्मनों का सामना किया। आज भी दो गोलियां इनके शरीर के अंदर हैं, उन दो गोलियों को ये साथ लेके घूमते हैं। जब उत्तराखंड के वो चंद नेता उत्तराखंड को लूट रहे थे, देवभूमि को लूट रहे थे, तब ये शख्स बॉर्डर के ऊपर हमारे देश की सुरक्षा में लगा हुआ। आम आदमी पार्टी से रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल सीएम पद का चेहरा होंगे। आप पार्टी ने जनता से मिले सुझावों के बाद कर्नल अजय को सीएम पद का उम्मीदवार बनाया है। कर्नल कोठियाल ने अपनी ड्यूटी के दौरान केदारनाथ आपदा समेत उत्तराखंड के नवनिर्माण में अहम भूमिका निभाई। पार्टी की तरफ से अहम जिम्मेदारी सौंपे जाने पर कर्नल अजय ने खुशी जताई। मैं अरविंद केजरीवाल सर को ये एश्योरेंस देना चाहता हूं और साथ में रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने उत्तराखंड की तरफ बहुत सीरियस तरीके से देखना शुरू करा है और स्टडी करना शुरू करा है कि उत्तराखंड में क्या क्या उम्मीदें हैं, उत्तराखंड को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, जिस तरीके से आप हर महीने यहाँ पे आ रहे हैं, जिस प्रकार से आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो खाली एक हाथ जोड़ने वाली विजिट करने नहीं आ रहे, आप हर बार आ रहे हैं तो एक नया कैंपेन हमें समझा रहे हैं, जो कि जब समाज को समझ में आएगा और उसको जब ग्राउंड पे हम लोग जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसमें तो सर के यहाँ से जितनी बार आएंगे हम सबका हौसला बढ़ेगा, हम सबको ना डायरेक्शन मिलती रहेगी किस प्रकार से हमने आगे बढ़ना है। बता दें कि 2022 के चुनाव को लेकर आप उत्तराखंड में काफी सक्रिय है। पार्टी पहले ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अब संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए पार्टी काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। जनता की क्या राय है?